उम्मीद कर रहे हैं कि आज ही डेथ वारंट इशू होना चाहिए? हाँ, क्योंकि हमारा एक हफ्ते का टाइम इसीलिए मिला था कि सुप्रीम कोर्ट में ये आज का पेंडिंग थी, लेकिन आज वो खारिज हो गई, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ भी उनका डेथ वारंट जारी हो। लगता है कि निर्भया को अब इंसाफ मिले, क्योंकि 7 साल भी बीत चुके हैं, अभी लगता है अभी इंसाफ। हाँ, 7 साल हमने बहुत धैर्य के साथ इस लड़ाई को लड़ा है और अब लग रहा है कि हम फैसले के नज़दीक हैं। अब उनको जल्द से जल्द फांसी होगी और निर्भया को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि इस फैसले से सिर्फ निर्भया के माँ बाप और निर्भया को इंतजार नहीं है, इस फैसले का पूरे देश के महिलाओं और बच्चियों का इंतजार है। और ये फैसला हमारे उन बच्चियों के मन में हौसला और एक ज्योत का किरण जगाएगा कि नहीं, हमारे साथ ऐसा क्राइम हुआ है और हमें भी इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जो आया है, ये सफ़र हम लोग का बहुत दर्द भरा रहा है। एक एक पल हम लोग के लिए बहुत भारी था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं ऐसा ना हो केस अटक जाए, कोई कारण लग जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके सब दलीलों को सुनते हुए सब खारिज कर दिया कि पानी का हवा का हवाला दे रहे थे, जो कि कोर्ट में उनको मेन कुछ ना कुछ ऐसा उनके पास अगर कुछ है तो उनको रखना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने रखा नहीं, सिर्फ हवा पानी और दुनिया जहान की बात करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने उनका खारिज कर दिया है, मर्सी रिव्यू पटिशन खारिज कर दिया है। और कितनी तसल्ली है सर? तसल्ली तो अभी भी नहीं है,